सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 विज्ञान की शिक्षण योजना के बारे में पढ़ेंगे। ये शिक्षण योजना मुझे मेरे जनपद यानी कि मुजफ्फरनगर से खतौली ब्लॉक की एक शिक्षिका हैं, पूनम रानी, काफ़ी ब्रिलियंट शिक्षिका हैं, उन्होंने बनाकर भेजी है। इसके लिए पूनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भी इसी तरह की एक शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। मेरे चैनल पे अपलोड करने से फ़ायदा क्या होगा, एक शिक्षक के द्वारा बनाई गई शिक्षण योजना से कम 100-200 शिक्षकों का फायदा हो सकता है। तो साथियों, अगर आपके पास कोई अच्छी शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को इसका फायदा हो सके। आज की शिक्षण योजना पूनम जी ने भेजी है, इसके लिए पूनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो या हमारी शिक्षण योजना से संबंधित वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप। आप चाहें तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कक्षा 8 विज्ञान की शिक्षण योजना, और इसका प्रकरण है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। यानी हमारी कक्षा 8 में विज्ञान में एक पाठ है सूक्ष्म जीव, तो इसमें एक टॉपिक है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परीक्षण परिचय, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम चार कॉलम बना लेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक का कॉलम खाली छोड़ देंगे, कक्षा 8 विषय विज्ञान और समय 40 मिनट के लगभग हमारे लगेंगे। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम, क्या लर्निंग आउटकम होंगे, बच्चे सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी रखते हैं तथा संक्षिप्त रूप में उनके बारे में बता पाते हैं, ये इसका लर्निंग आउटकम हुआ। उसके बाद प्रकरण है हमारा सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। नेक्स्ट आता है सीखने सिखाने की सामग्री। तो सीखने सिखाने की सामग्री में एक तो हम आवर्धक लेंस ले लेंगे, वो हमारे लेबोरेटरी में मिल जाता है आसानी से, नई मुक्त ब्रेड ले लेंगे, नल पर जमी काई ले लेंगे और सूक्ष्म दर्शी ले लेंगे, ये हमारी सीखने सिखाने की सामग्री हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। तो इसमें सबसे पहले क्रम संख्या, दूसरा कॉलम होगा चरण का, तीसरा समय और चौथा आपका आकलन होगा। सबसे पहले शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के प्रारंभ में क्या होगा, शिक्षिका छात्रों से उनके आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु तो पौधों के बारे में पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कुछ प्रश्न पूछेगी, इसमें आपके 5 मिनट लगेंगे और आकलन का तरीका जो होगा वो हमारा प्रश्नोत्तर होगा। पहला प्रश्न होगा, आपके घर के आसपास के दो पेड़ पौधों को नाम बताइए, दो पेड़ पौधों के नाम आप बताइए। दूसरा प्रश्न होगा, किन्हीं दो पालतू जानवरों के नाम बताइए, बच्चे बता देंगे। नेक्स्ट आता है, क्या आप ऐसे जंतु के बारे में जानते हैं जो होते तो हैं परंतु तुम उन्हें देख नहीं पाते हो, तो बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं, बच्चों को इसका कोई जवाब नहीं मिलता। तो अब दूसरा चरण चलता है शिक्षण के दौरान, इसमें आपकी 20 मिनट के लगभग लगेंगी। तो शिक्षण के दौरान शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि आज हम ऐसे जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब शिक्षिका बताएगी, कुछ जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, इसमें आपकी 20 मिनट लगेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षिका बच्चों से पुनः कुछ प्रश्न पूछकर उन्हें कक्षा शिक्षण से जुड़ने का प्रयास करती है, यानी फिर दोबारा से प्रश्न पूछेगी जिससे कि बच्चे कक्षा शिक्षण से जुड़ जाएं। नंबर 1 क्या पूछेगी, क्या आपने वर्षा ऋतु में नल की चौकी के आसपास जमी हरी घास देखी है, तो बच्चे बताएंगे हाँ जी काई होती है। उसके बाद रोटी पर अगर पानी की कुछ बूंदें डालकर छोड़ दें तो रोटी पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, क्या आपने उनको देखा है, बच्चे रुचि लेकर कुछ ना कुछ खुद भी बताते हैं, कुछ ना कुछ खुद भी बताएंगे, तो ये आकलन का तरीका होगा। नेक्स्ट कॉलम आएगा शिक्षण के अंत में, शिक्षिका बच्चों को बताती है कि यह सूक्ष्म जीव है जिन्हें केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, इसमें आपकी 20 मिनट की लगभग लगेंगी।
शिक्षिका बच्चों को श्यामपट कार्य पर अपनी कापी में लिखने को कहेगी। क्या लिखने को कहेंगी? आकलन का तरीका होगा, बच्चे श्यामपट कार्य को अपनी कापी पर साफ साफ करते हैं। पहला प्रश्न होगा, सूक्ष्म जीव से आप क्या समझते हैं? अंत में शिक्षिका बच्चों को बताएगी, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि ये हर जगह मिलते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। इस तरह के प्रश्न बच्चों को करा देंगे। ये आपका पहला प्रकरण हुआ, सूक्ष्म जीवों का परिचय। अब उसके बाद शिक्षिका बच्चों को कार्य देगी, गृह कार्य देगी। गृह कार्य में क्या होगा? शिक्षिका बच्चों को एक क्रियाकलाप करने को देगी, जिसके अंतर्गत समूह में बच्चों को एक रोटी या ब्रेड के टुकड़ों के ऊपर पानी छिड़क कर 4-5 दिनों के लिए एक डिब्बे में बंद करके रख देना है। यानी कि एक बच्चों को कहेंगे कि आप एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए और उसके बाद उसे रख दीजिए 4-5 दिन के लिए। फिर 4-5 दिन बाद उसको कक्षा में लाना है और उसके बारे में कक्षा में पुनः इस विषय पर चर्चा की जाएगी। ये गृह कार्य हुआ। नेक्स्ट कॉलम आता है, शिक्षक की आगामी शिक्षण योजना, यानी शिक्षिका आगामी शिक्षण योजना में सूक्ष्मदर्शी के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करेगी। यानी शिक्षिका सूक्ष्मदर्शी के वर्गीकरण, इनके सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण के बारे में नेक्स्ट लेसन प्लान में या शिक्षण योजना में बच्चों को बताएंगी। नेक्स्ट आता है, शिक्षण योजना पर शिक्षिका का स्व आकलन, यानी कि शिक्षिका ने क्या स्व आकलन किया? शिक्षिका आगामी शिक्षण योजना बनाते समय पूर्व में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखती है, नई शिक्षण योजना को और अधिक रुचिकर और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करेगी। तो साथियों, काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई पूनम जी ने। इसी तरह की छोटी सी शिक्षण योजना है और छोटी शिक्षण योजना में हमने काफ़ी कुछ कह दिया है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आपने भी कोई अच्छी सी शिक्षण योजना बनाई है तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। क्योंकि साथियों, हम सबको मिलकर शिक्षण योजना बनानी है, क्योंकि मेरा टॉपिक भी यही है, आओ मिलकर बनाएं शिक्षण योजना। क्योंकि एक शिक्षक शिक्षण योजना बनाता है तो उसका 20-30 जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को फायदा हो जाना चाहिए। क्योंकि 6 शिक्षण योजना एक शिक्षक को प्रतिदिन बनानी है तो उसमें काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो काफ़ी हम कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।